हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रॉ विद संतोष। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी पेंसिल शार्प कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड खासकर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए होगा एक लाइटर, क्योंकि फ्रेंड्स हमें जो इसकी जो वुडन वाली सरफेस है उसको हटानी है। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम तो इसकी मदद से भी हटा सकते हैं। तो फ्रेंड हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको काम तो जल्दी करना है तो उसकी लेटर सही रहता है। तो फ्रेंड मैं दिखाता हूँ कैसे, आपको ज़्यादा नहीं करना, मतलब इतना कर देना कि जिसकी सरफेस है वो जल्दी से हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो उसकी सरफेस है वो ब्लैक पड़ चुकी है अच्छे से, और इसका जो सरफेस है वुडन वाला अब वो जल रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी जो पेंसिल के बीच में एक दरार सी बन जाए उस उधर तक। तो फ्रेंड्स अरे फोकस कर जा, फ्रेंड्स फोकस नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करिएगा ताकि मैं भी मतलब अच्छा सा फ़ोन लूँ और उससे वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स अब आपको आराम आराम से इसकी जो सरफेस है ब्लैक वाली उसको हटाना है। फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ का हिस्सा ये हो जाए तो आपको यहाँ से लेना है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो निब है वो थोड़ी आपको पता ही है छोटी होती है। और ये कोई इसका कोई एच भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो छोटी पेंसिल नॉर्मल सी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा एक अलग पेंसिल से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते धीरे इसकी जो निब वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ फ्रेंड उसकी लेड अब धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अब फ्रेंड यहाँ आपको थोड़ा संभाल के काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर लग गया तो जो उसकी लेड है वो टूट भी सकती है। और फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा इसको और जला देते हैं क्योंकि फ्रेंड्स अब दिक्कत हो रही है निकालने में। फ्रेंड्स अगर आप पे मतलब कुछ पेंसिलें होती है जिनकी जो सरफेस होती है वो सॉफ्ट होती है, उनको आप आराम से हटा सकते हो, जैसे चारकोल पेंसिल की हो गई और ग्रेफाइट पेंसिल, इन सब की जो ऊपर की सरफेस होती है वो ज़्यादा शार्प वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, उनको आप आराम से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको साफ़ करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स आसान साफ़ हो रहा है। और फ्रेंड्स कटर यूज़ करते वक्त अपना हाथ मेरे हाथ जलने वाला था अभी। इसको फ्रेंड्स को आराम आराम से साफ़ कर दीजिए। अब फ्रेंड्स आपको बस एक जगह नहीं करना है, आपको पूरी जैसे अगर आपने यहाँ से लिया है तो आपको पूरा लेना है, ये आपको यहाँ नहीं छोड़ना, आपको पूरा पूरा लेना है ताकि जो नोक है वो भी अपनी शेप में आती रहे। फ्रेंड यहाँ यहाँ से फ्रेंड कोशिश करिएगा कि आप जब भी करें तो पूरा ही करें, क्योंकि अगर फ्रेंड आपने यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ की जो टिप निब होगी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी इसको करेंगे थोड़ा सा। वैसे फ्रेंड्स ये ज़्यादा लंबी तो मेरे ख्याल से हो सकती नहीं अब, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो उसको लंबी करना तो फ्रेंड्स आपको उसकी नीचे की सरफेस हटानी पड़ेगी। ये फ्रेंड्स कटर थोड़ा पुराना हो गया है इसीलिए चल नहीं रहे ढंग से। यहाँ से फ्रेंड्स को निकाल देना है, थोड़ा सा इसको जला देना है। ये मैं इसलिए कर रहा था कि अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो, वरना मेरे हिसाब से तो इतनी पेंसिल काफ़ी होती है। वैसे फ्रेंड अगर जलते उसको निकालेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स और फ्रेंड्स कोशिश करिएगा कि अगर आप जला रहे हो तो नीचे कोई प्लास्टिक ना हो, लकड़ी हो या फिर कुछ लोहे के ऊपर रख के करें या फिर छत पे करें काम, क्योंकि फ्रेंड्स प्लास्टिक आपको जल जाता है। इसको साफ कर दीजिए फ्रेंड्स को आराम आराम से शार्प करते रहिए। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसकी जो नुक है वो एकदम शार्प हो गई है। अरे गिर गई फ्रेंड्स। मैंने तो जैसे मैं अगर पेंसिल शार्प करता हूँ तो शार्प करने के बाद उसको थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने देखा है कि जब भी मैं जलाकर जो उसकी लेड होती है अगर मैं उसको गर्म करता हूँ तो फिर ज़्यादा मज़बूत रहती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स ऐसी पेंसिल से ड्राइंग करना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसको आप ऊपर तक पकड़ सकते हो
और ऐसे ऐसे कर सकते हो। और फ्रेंड्स शेडिंग करने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आप जहाँ भी पकड़े पेंसिल उसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ऐसा नई पेंसिल के साथ कैसे कर सकते हो। ये मेरे पास पेंसिल है, ये है कौन सी कंपनी की है, ये हाँ डॉम्स की है फ्रेंड्स, X1। और फ्रेंड्स ये 4 ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, लेकिन फ्रेंड्स हमें तो कुछ लिखना नहीं है इससे, हमें तो इससे ड्राइंग करनी है। आपको वही करना है सिंपल सा तरीका जिसमें बताया मैंने आपको, लेटर थोड़ा तेज कर देंगे हम इस बार। ये फ्रेंड्स मेरा जल्दी हो जाएगा, फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल गया था, लेकिन वो उसकी जो प्लास्टिक की सतह होती है वो जल गई थी। ये है वुडन की, इसको निकालना देखो, अब ये थोड़ा लेट हो रहा। अब फ्रेंड्स जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप चाहे तो इसको जलते वक्त निकाल सकते हैं, जैसे मैंने इसे निकाल दिया तो जल्दी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स अब आपको आराम आराम से इसको निकाल देना है। अब फ्रेंड फिर से वही हार्ड सरफेस आ गया है, जलाइए। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि लेटर यूज़ करते वक्त अपना जो हाथ थोड़ा दूर रखिए इससे। वेट जल जा। फ्रेंड्स थोड़ा सुखा दो उसको हिट। हाँ फ्रेंड आखिरकार हमें अपनी लेड दिख गई, ये देखिए कितनी रेड हो रहा था। अब फ्रेंड्स को वही तरीका हमें इस्तेमाल करना है कि पूरे में लेते रहना है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि ये फिर से अब सही हो गया है जैसा आप चाहते थे। फ्रेंड्स आज फोकस में दिक्कत सी लग रही है, मेरे को फोकस नहीं हो पा रहा, लगता है iPhone X लेना पड़ेगा। लिंक कैसे ले फ्रेंड्स, आप तो वीडियो देख के चले जाओगे और फ्रेंड्स लाइक भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये पेंसिल रेडी हो चुकी है, अब आप इनसे ड्राइंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कोई सी पेंसिल भी शार्प कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं इस मतलब चीज़ के ऊपर, तो फ्रेंड्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अब रखते हैं, खैर मिलेंगे आपसे फिर से नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।